हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कनिष्का और आप लोग देख रहे हैं कनिष्का की किचन। समोसे तो आप सभी लोग खाते होंगे और हम लोगों के फेवरेट भी होते हैं, तो अगर आप खाओगे हैं नॉर्मल समोसे खा करके बोर, तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए ही है। आज मैं बनाऊंगी डिफरेंट और यूनिक समोसे की रेसिपी, जिसको मैं बोलूंगी पाइन व्हील समोसा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यूनिक तरह के समोसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली है मैदा। ये मैंने 1 कप मैदा ली है, मैंने इसको मिक्सिंग बाउल में डाल लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 चम्मच कोई भी कुकिंग ऑयल या घी, जो भी आप डालना चाहते हैं। मैं इसमें 3 चम्मच डालूंगी, ये मैंने डाल दिया है इसमें 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल, जैसे खस्ता और सॉफ्ट बनेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद के अनुसार सॉल्ट, स्वाद के अनुसार सॉल्ट ही डालना है हमें। अब मैं लूँगी, क्योंकि सर्दी है तो थोड़ा सा जो मौसम है वो ठंडा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको गूंथने के लिए निमाय पानी का यूज़ करूँगी। मैंने ले लिया 1/2 ग्लास निमाय पानी। अब मैं इससे आटे को धीरे धीरे करके लगाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने आटे को लगा के तैयार कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए प्लेट ढक के रख देती हूँ। अब हम बनाएंगे समोसों की स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने ले लिए 3 मीडियम साइज़ के आलू, जिनको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। आपको भी ग्रेट कर लेना है, उससे क्या है स्मूथनेस अच्छी आती है। तो इसमें हम आप ऐड करेंगे मसालों को। मसालों में मैं इसमें सबसे पहले ऐड करूंगी भुना जीरा, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर। इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी गरम मसाला, कोई भी आप गरम मसाला ले सकते हैं, होममेड ले सकते हैं या फिर रेडीमेड ले सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी अब चंकी चाट मसाला, चटपटे टेस्ट के लिए 2 चम्मच भर के हम चंकी चाट मसाला इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास चंकी चाट मसाला नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अभी मैं इसमें थोड़ा सा, मैंने ये देखिए ब्रेड क्रम्स बनाया है। ब्रेड क्रम्स कैसे बनाना है, 2 ब्रेड को मैंने तोड़ लिया था, मोटा मोटा तोड़ के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, तो ही इस तरह का बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसको बाइंडिंग के लिए इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से आपको इसको हाथ से मिला लेना है। हमने मैदा में भी डाला है सॉल्ट, तो हम इसमें भी हिसाब से ही डालेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल ज़रा सा ही हमें डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। 1 पिंच से 2 पिंच के बीच में हमें ब्लैक पेपर पाउडर डालना है। तो अब इनको मिक्स कर लेंगे और हमारी जो स्टफिंग है वो तैयार है। ये हो गई है हमारी समोसे की स्टफिंग तैयार। अब हम एक बड़ी सी लोई लेंगे आटे में से और उसको करेंगे तैयार। तो ये देखिए, मैंने अपनी आटे में से ले ली है 1 बड़े साइज़ की लोई। अब मैं इसको हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगाकर बेलूंगी। देखिए, मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा लिया है और मैं इसको अब बेलूंगी। इसको हमें रोटी के साइज़ का बेल लेना है। तो ये देखिए, मैंने इसको चकले के साइज़ का बेल के तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें अपनी आलू की स्टफिंग को लगाऊंगी। ये इसको मैंने अब फैला लिया है, इसको अब हम फैला के अब हम इसको एक साइड से फोल्ड करना शुरू करेंगे। यहां से उठाएंगे इसको टाइटली, हमें पकड़ के अच्छे तरीके से ऐसे रोल करना है। तो ये देखिए, हमारा कितना मोटा सा बनके तैयार हो गया है रोल। अब हम क्या करेंगे, साइडों में यहां पे पानी लगा के इसको लॉक कर देंगे। अब मैंने इसको देखिए चिपका लिया है अच्छे से पानी से, ये लॉक हो गया है। अब मैं इसको एक शार्प सा नाइफ लूंगी और साइड से पहले थोड़ा सा इसको कटिंग कर दूंगी। हमें नाइफ जो है वो शार्प सा लेना है और इसको दबाते हुए नहीं काटना, इसको थोड़ा हमें जल्दी जल्दी काटना है। ये देखिए, घुमा घुमा के हल्का इसको दबाना पड़े उस पर। तो देखिए, मैंने सारे अपने पाइन व्हील समोसे काट के तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनको एक एक करके अलग कर दूंगी, एक एक करके हम इनको अलग कर करके रख देंगे। हल्का सा इनको यहाँ से आप दबा दीजिए, क्योंकि एक एक करके हम इनको अलग करके प्लेट में सजा लेंगे और हम कढ़ाई को रख देंगे गैस पर गर्म होने के लिए। तो देखिए, हमारे पाइन व्हील समोसे बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, एक एक समोसे को उठा के हल्का हल्का हाथ से ऐसे हल्के हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे। तो देखिए, हमारा जो कढ़ाई है उसमें मैंने जो ऑयल डाला है वो गर्म हो चुका है। अब मैं उसमें एक एक समोसा डालूंगी। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो समोसे हैं वो लगभग सारे ही बनके तैयार हो चुके हैं। कितना बढ़िया टेक्सचर इसका आया है, ये देखिए।
इसी तरीके से हम इसमें दूसरा बैच भी डाल देंगे। तो हमारे पाइवे समोसे बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।